भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। टिकैत ने यूपी चुनाव में बीजेपी का खुलकर विरोध किया, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा और बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद उनकी भारी बेइज्जती हुई। उन्होंने बीजेपी की हार की जितनी भी भविष्यवाणी की सब फेल हो गया। ऐसे में अब अपनी बेइज्जती को भुलाकर टिकैत एक बार फिर सियासी रोटी सेकने की फिराक में है। हालांकि इस बार उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है और न ही उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि देश के लोग समझ गए हैं कि आंदोलन के माध्यम से विपक्ष के लिए सियासी पिच तैयार करने की कोशिश हुई थी और आगे भी वही होगा। आंदोलन में शामिल ज्यादातर नेताओं के विपक्ष के साथ साठगांठ बाहर आ चुकी है। ऐसे में टिकैत की दाल अब गलने वाली नहीं है। जब जब चुनाव आता है टिकैत एक्टिव हो जाते हैं। हालांकि चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन टिकैत की बेचैनी अभी से ही दिखने लगी है। दरअसल कृषि आंदोलन खत्म करने के बाद टिकैत एक बार फिर आंदोलन कर सकते हैं। टिकैत ने देश भर के किसानों को तैयार रहने के लिए कहा है। कृषि बिल वापस लेकर केंद्र सरकार ने टिकैत को बैकफुट पर धकेल दिया था। उसके बाद से टिकैत मोदी सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। टिकैत को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। विपक्ष भी अब टिकैत को भाव नहीं दे रहा है। ऐसे में टिकैत किसानों की अनदेखी का आरोप लगाकर मोदी सरकार को डराने की कोशिश कर रहे हैं। टिकैत ने MSP को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश का किसान MSP पर आंदोलन करने के लिए तैयार रहे। टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश वोट से नहीं बल्कि आंदोलन से बचेगा। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी, लेकिन किसानों की आय में 50% गिरावट देखने को मिली है। उनका कहना है कि खादों के दाम में 20% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि तेल, खाद और दूसरे उत्पादों के दामों में तत्काल कमी की जाए। बता दें कि राकेश टिकैत कृषि आंदोलन खत्म होने के बाद भी केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं और एक बार फिर उन्होंने MSP को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। ऐसे में देखना ये भी होगा कि टिकैत सिर्फ चेतावनी ही देते रहेंगे या दोबारा आंदोलन करने के लिए मैदान में भी उतरेंगे, क्योंकि टिकैत पिछले कई महीनों से आंदोलन की बात दोहरा रहे हैं और सरकार उनको कोई भाव नहीं दे रही है। हालांकि इस बार टिकैत को जनता का समर्थन मिलेगा इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि आंदोलन खत्म होने के बाद विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से आंदोलनकारी नेताओं ने विपक्षी दलों के साथ गुप्त गठबंधन किया था वो सबने देखा है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।